नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एके टेक वीडियोस। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप क्रेडिट कार्ड, अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो उसकी आपने बिल पेमेंट कैसे करनी है, वो भी नेट बैंकिंग के जरिए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप नेट बैंकिंग से अपने क्रेडिट कार्ड की जो बिल की पेमेंट है उसको आपने कैसे करना है। इसके लिए मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे करूंगा गुजारिश कि मेरा जो एके टेक वीडियो चैनल चल रहा है, जो सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है आपको इसको सब्सक्राइब कर देना है, और साथ में जो घंटी का नन्ना सा आइकन है आपको इसको प्रेस कर देना है और मेरे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं। इससे होगा ये कि मैं अगर आपके लिए कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे और आप मेरी वीडियो को कभी मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको HDFC लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है HDFC लॉगिन। और आपको बता दूं कि जो लोग मेरे भाई नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं वही नेट बैंकिंग से ये जो पे कर सकते हैं, अदरवाइज वो किसी और मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग जो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और ये कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग, इस पर भी क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर आप कस्टमर आईडी लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैंने कस्टमर आईडी लिख दी है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है, और मैंने कंटिन्यू भी कर दिया है। और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर प्लीज़ कंफर्म पे क्लिक कर देना है और आपको लॉगिन हो जाना है। और मैंने कस्टमर आईडी भी लगा दी है और पासवर्ड भी लगा दिया है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। और इस तरह से लॉगिन हो जाएगा और ये लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर आपको कार्ड पे क्लिक कर देना है। जब आप कार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्टिव क्रेडिट कार्ड बता देगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और देख सकते हैं कि आपका कितनी पेमेंट आपने जो भरनी है। यहाँ पर मेरे तो जीरो है क्योंकि मैंने अभी 202 रुपये जो पेमेंट है वो मैंने भर दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप कैसे पे करनी है, तो मैं इसके लिए मैं प्रोसेस तो आपको मैं पूरा बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको जब आप कार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ट्रांजैक्ट की, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर क्लिक कर देना है और इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट पेमेंट टाइप करना है कि आपके अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड है और इसी बैंक का है तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, मतलब जो आपके इसी अकाउंट से रजिस्टर्ड है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर इस बैंक से रजिस्टर्ड नहीं है, कोई अदर अकाउंट का है, तो वो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिलहाल मेरा तो इसी अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको जो अपना अकाउंट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी आपकी जो पेमेंट होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि आपने कितनी पेमेंट यहाँ पर फिल करनी है और जो आपने कितनी पेमेंट जो आपकी ड्यू है, जो आपने जो बिल है वो पे करना है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। और देखिए मैंने कंटिन्यू पे जब क्लिक किया तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर आपका शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा कि कौन से कार्ड की पेमेंट आपको करनी है और यहाँ पर जो पेमेंट आपको करनी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जब कंफर्म करते हैं
तो वो अपने आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी और आप उसको रिसिप्ट को भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो अपने क्रेडिट कार्ड की जो बिल है वो उसको ये पेमेंट जो आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।